आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव और मैं हूं श्रेयोशी। इस वक्त अभी मेरे साथ मौजूद हैं प्रदेश प्रवक्ता, भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता सरोज जी। सरोज जी, आपका इनसाइडर लाइव में बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहला मेरा ये सवाल है कि लोकसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है और हाल ही के दिनों में विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ और तमाम राज्य आगे बढ़ चुकी हैं, भाजपा की सरकार बन गई है, अब झारखंड की बारी है। क्या कुछ तैयारी चल रही है लोकसभा चुनाव की? देखिए, पार्टी लोकसभा चुनाव के समय तो तैयारी तेज हो ही जाती है, लेकिन पार्टी केवल लोकसभा चुनाव तक ही जनता के बीच नहीं रहती है। पार्टी 365 दिन, आपने देखा होगा, आप लोग भी बराबर कवर करती रहती है, 365 दिन पार्टी जनता के बीच रहती है। पार्टी के कार्यक्रम को लेकर के, राजनीतिक कार्यक्रम हो या सामाजिक हो या रचनात्मक कार्य हो या केंद्र सरकार की जो काम है उसको जनता के बीच ले जाने का मामला हो, तो पार्टी लगातार जनता के बीच रहती है। चुनाव आए तो ऐसा नहीं है कि चुनाव के समय ही पार्टी जाती है, लेकिन चुनाव आता है तो स्वाभाविक है गतिविधियां तेज हो जाती हैं। पार्टी जनता के बीच कई तरह के कार्यक्रम चल रहे हैं, पार्टी जनता के बीच है। चुनाव 100 दिन से भी कम समय है तो पार्टी तैयारी में लगी हुई है, और विकसित भारत संकल्प यात्रा भी चल रहा है और कई तरह की यात्राएं हैं, पार्टी जनता के बीच लगातार है और अभी भी हम लोग हैं। अभी आपने संकल्प यात्रा का जिक्र किया, विकसित भारत का जिक्र किया, कल भी प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, ऐसे कई कार्यक्रम अभी चल रहे हैं लगातार। क्या लगता है इस बार झारखंड में 14 की 14 सीटें भाजपा के हाथ में होंगी? देखिए, झारखंड में जो है भारतीय जनता पार्टी, पिछले आप देख रहे होंगे अटल जी के समय से ही जब से सरकार बनी थी, तो यहाँ हम 14 के 14 सीट जीते हुए हैं। कभी ना कभी हम 14 सीट ही जीते हुए हैं, कभी ना कभी, कभी ठीक है कि कभी वो सीट हार गए, कभी दूसरा जीत गए, लेकिन 12-13 सीटें हम यहाँ लगातार जीते, तो 12 सीट तो हम आज भी हमारा है। और यहाँ पर लगभग हम अलायंस पार्टनर को लेकर के लगभग 56% वोट हमको आशु को लेकर के आया, अकेले का हमको 50% से ऊपर वोट मिला हुआ है। इस बार 2 सीट हम लोग जो चूक गए थे पिछले बार, उस 2 सीट को भी हम कैसे जीते उस पर भी काम हो रहा है। और लोकसभा प्रवास योजना के तहत जो हमारी जो 160 सीटें चिन्हित है देश में हारी हुई सीटें, उसमें इस बार 2 सीटों को हम लोग लिया है। पिछले 2 साल से वहाँ काम भी हम लोग कर रहे हैं, तो इस बार ऐसा रहेगा कि आप देखिएगा, इस बार हम लोग 14 का 14 सीट जो है भारतीय जनता पार्टी के झोली में आएगा, जनता हमको समर्थन देगी। गठबंधन की सरकार चल रही है और कहीं ना कहीं विपक्ष भी पूरी तैयारी कर रही है। अभी 14 तारीख को ही राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू हो रही है, ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर क्या? देखिए, एक बात बता दें आपको कि पार्टियां सब जाती हैं लोगों के बीच, चुनाव में रहती हैं, जनता के बीच जाती हैं, लेकिन लोगों को भरोसा होना चाहिए। मोदी जी पर भरोसा है, जितना काम पिछले दिनों हुआ है, आप देखिए 74-75 एयरपोर्ट थे देश में आज़ादी के बाद, 74 इधर 9 सालों में बन गए मोदी जी के कार्यकाल में। 4 एम्स थे, अभी 22 एम्स बन गए, रोड हाईवे नेशनल हाईवे आप देख ही रहे, जितना काम हुआ है। और उसके बाद गरीब कल्याण के क्षेत्र में, चाहे आयुष्मान योजना हो, गरीबों को अन्न देने की बात हो, अन्न योजना चलाने की बात हो, किसानों को सम्मान निधि के तहत जो पैसे हो, किसानों के बेहतरी के लिए काम हो, ऐसे अनेकों काम हुए हैं, और उसके कारण महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम हुए हैं। तो इन सबों को देख करके लोगों को मोदी जी पर भरोसा बढ़ा है। इकोनॉमी 10वें से 5वें पर आ गया, जिस समय मनमोहन सिंह जी थे छोड़ के गए थे 14 में, देश का इकोनॉमी 140 लाख करोड़ अर्थव्यवस्था था, जीडीपी भारत का 140 लाख करोड़ का, आज लगभग 350 लाख करोड़ का हो चुका है, 140 लाख करोड़ से 350 लाख, 5वें इकोनॉमी पे हम आके खड़े होंगे। प्लान है कि अगले 2-3 वर्षों में इसको हम तीसरे स्थान पे ले जाएंगे। तो देश जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, तो लोगों को मोदी जी पे भरोसा है, भारतीय जनता पार्टी के सरकार पर भरोसा है, और लोग जो है स्वतः जो है सरकार के पक्ष में समर्थन दे रहे हैं, आ रहे हैं। अब दूसरे दल हैं, राहुल गांधी की आपने चर्चा की, भाजपा कांग्रेस की चर्चा, तो सभी पार्टियों को अपना कार्यक्रम चलाने का अधिकार है, घूम रहे हैं, लेकिन वो पिछले दिनों भी घूमे थे। अभी 3 राज्यों का चुनाव हुआ, रिजल्ट आप देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ में तो किसी ने नहीं कहा कि चुनाव, लोग बड़े बड़े गणित पंडित जो है राजनीतिक पंडित गणित लगा रहे थे, सब फेल हो गए। तो इसकी जनता को भरोसा है, मोदी जी पे भरोसा है, मोदी जी के गारंटी पे भरोसा। और आप देखिएगा कि इस बार झारखंड में रिकॉर्ड टूटेगा, हम 14 सीट जरूर जीते हैं, लेकिन एक साथ 14 नहीं जीते हैं, कभी 12 कभी 13 12, इस बार देखिएगा हम झारखंड में 14 का 14 भारतीय जनता पार्टी सीट जीतेगी।
जी बिल्कुल, जैसे कि आपने देखा कि सरोज जी का साफ तौर पर ये कहना है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी 14 की 14 सीट भारतीय जनता पार्टी के हाथ में होगी। हालांकि इन दिनों लगातार मुख्यमंत्री पे जिस तरह से ईडी कार्रवाई चल रही है और लगातार कुछ ना कुछ मुद्दे चल रहे हैं, इस बीच पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर क्या कुछ वार पलटवार करती है ये तो अब देखने वाली बात होगी। आखिर लोकसभा चुनाव में सरकार किसकी होगी ये तो अब देखना होगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए इनसाइडर लाइव। वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।